लॉकडाउन से हिंसक हुए अयोध्या के बंदर, दर्जनों को किया घायल। कोरोना संक्रमण को लेकर देश में जारी लॉकडाउन से आम जनमानस ही नहीं बल्कि बेजुबान बंदरों पर भी पड़ा है असर, जिनके खाने के पर्याप्त साधन भी नहीं है, जिसके कारण अब बंदरों की टीम हिंसक होती जा रही है और लगभग 4 दर्जन से अधिक मामले सामने आए हैं। अयोध्या में हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं, जिनका भोजन आदि आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर होता है, लेकिन अयोध्या में लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु नहीं पहुंच रहे हैं। यहां तक कि स्थानीय लोग भी मात्रा के अनुरूप ही पूजन व अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं और बंदरों को भी अब उनका भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा है। भूख के कारण या उग्र और हिंसक होते जा रहे हैं, जिसके कारण बंदरों की टोली स्थानीय लोगों पर प्रहार कर रही है, जिससे आज लगभग 4 दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। जल्द ही हिंसक बंदरों को लेकर प्रशासनिक उपाय नहीं निकाला गया तो यह संख्या बढ़ सकती है, जबकि कई स्थानों पर कोरोना संक्रमण जानवरों के माध्यम से भी पाए जाने की आशंका सरकार द्वारा जताई जा रही है, तो ऐसे में बंदरों के हिंसक का परिणाम भी गलत हो सकता है। बंदरों के इस संकट की घड़ी में हालांकि कुछ समाजसेवी व संत सामने भी आए हैं, लेकिन बंदरों की तादाद अधिक होने के कारण सभी को भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा है। श्री राम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार भी मानते हैं कि लॉकडाउन में बंदर सबसे ज्यादा हिंसक हो गए हैं। प्रतिदिन दर्जनों के करीब बंदर के काटने से घायल लोग इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह बंदरों को भोजन का नहीं मिलना है। हजारों की संख्या में बंदर सड़कों, मंदिरों व घरों की छत पर रहकर भोजन की तलाश कर रहे हैं। मोहम्मद हुसैन के साथ कैमरामैन शाहरुख सिद्दीकी की रिपोर्ट। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।